नमस्कार सीएमएन न्यूज पे वक्त हो चला है टॉप 20 न्यूज का। मऊ जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने किया सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। मऊ में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान, पीड़ित परिवार में मचा कोहराम। शहबाद में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल को किया सील। रामपुर में उर्दू गेट तोड़े जाने से सपा कार्यकर्ता नाराज, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मऊ में बीजेपी को परास्त करने में जुटी सपा बसपा, जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन, मंच पर एक साथ नजर आए दोनों पार्टियों के नेता। हरिद्वार पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, भारत माता आराधना यज्ञ में की शिरकत। मऊ में बीजेपी का कांग्रेस सपा बसपा पर जोरदार हमला, कहा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। मऊ में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सख्त हुआ प्रशासन, शहर से हटाए गए राजनीतिक बैनर। मुरादाबाद देहात में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सख्त हुआ प्रशासन, हटाए गए राजनीतिक पोस्टर। मुरादाबाद में भी सख्त हुआ जिला प्रशासन, शुरू किए राजनीतिक दलों के पोस्टर। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। मेरठ में अतिक्रमण को लेकर हुए बवाल का मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ में आदर्श आचार संहिता के बाद सख्त हुआ प्रशासन, बैनर और पोस्टरों को उतार कब्जे में लिया। सितारगंज पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। शामली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लोनी में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल। बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा का सरेराहा अपहरण, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में जांच के नाम पर ठगी करने वाली फर्जी महिला आईएएस गिरफ्तार, आईएएस अफसर बता डालती थी रेड, पुलिस को बनाती थी मोहरा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका, रीवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी का निधन।